तो हेलो दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि बादशाह, रैपर बादशाह, जो कि मशहूर हुए हनी सिंह को उल्टा सीधा बोलकर, और शुरू से ही इनका काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा है क्योंकि इन पर आरोप लगते रहे हैं कि इनके व्यूज़ नहीं आते हैं उतने, इनके फैंस बिल्कुल भी नहीं हैं, फिर भी इनके व्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं। आपको बता दें कि ये शुरू से विवादों में इन्होंने हनी सिंह का नाम का सहारा लिया और खबरों में आए। इसी के साथ दोस्तों, उन्होंने कई बार ऐसी भी आपत्तिजनक चीज़ें हनी सिंह के बारे में फैलाई जिससे कि हनी सिंह का इमेज काफ़ी ख़राब हुआ। मगर आपको बता दें हम कि हनी सिंह के फैंस इतने तादाद में हैं और उनके ऑर्गेनिक फ़ैन हैं, सारे फैंस उनके रियल में फ़ैंस हैं, तो उनको उतना फ़र्क भी नहीं पड़ा। और फिर उन्होंने वापसी जब किया अपनी तबीयत ख़राब होने के बाद, तो फिर से वो सुपरस्टार बन गए। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि बादशाह के ऊपर यह आरोप है कि उन्होंने अपने गाने पागल है जो सुना होगा आपने, बहुत ज़्यादा व्यूज़ हैं और उनके इंस्टाग्राम पर भी जो फॉलोअर दिखते हैं, दरअसल वो उनके असली फॉलोअर्स हैं ही नहीं। ये सारे चीज़ें जो हैं उनकी PR एजेंसी मैनेज करती है और ये पेड हैं, या तो कोई स्पाम है या उनका कोई फेक फॉलोअर्स हैं और फेक व्यूज़ होते हैं जो उनके होते हैं। तो दोस्तों बता दें, इस मामले में वो पुलिस को अभी अपना इंटरव्यू दर्ज करा रहे हैं। आपको बता दें वो मुंबई में ही गए हुए हैं अपना इंटरव्यू दर्ज कराने के लिए, और इसके लिए चक्कर में बादशाह काफ़ी बुरी तरीके से फंस चुके हैं। दोस्तों आपका क्या है व्यू? अगर आप दोस्तों सच में चाहते हो कि ऐसे लोगों को सज़ा मिले या फेक व्यूज़, जो कि काफ़ी गलत चीज़ें हैं, तो आप एक कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ही लीजिए दोस्तों। और अगर आप हनी सिंह के फ़ैन हो ना यार, तो वीडियो को शेयर भी कर देना यार। थैंक यू दोस्तों, टेक केयर, बी सेफ, लव यू ऑल।